दिस इज सेक्टर 62 नोएडा। आज 31 जुलाई, दिन के करीब 12:29 और हम सेक्टर 62 नोएडा से जा रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। देखते हैं अभी ये रूट कैसा होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में फोर्टिस हॉस्पिटल है और ये सीधा ये रोड मॉडल टाउन चौराहे पे जाता है जो NH-24 से मिलता है। मेरे ख्याल से NH-24 आगे जाके राइट होकर इंदिरापुरम के भीतर से जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से एलिवेटेड रोड लेकर राजनगर एक्सटेंशन जाना पड़ सकता है। होपफुली अभी भी वो किसान आंदोलन की वजह से डिस्टर्बेंस होगा गाजीपुर चौक। सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन का ओवरब्रिज है, राइट हैंड साइड सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन। इंदिरापुरम दिल्ली सेक्टर 62 से किधर जगह है, ये मॉडल टाउन चौराहा। अभी भी NH-24 का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ये है इंदिरापुरम, क्या बुरा हाल है। एक समय था ये रोड सारे रोड खाली हुआ करते थे, अभी कितना रश है। वहाँ पे यू टर्न वगैरह लेना है, यू टर्न लेने के बाद फिर मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा रॉन्ग कट मारना पड़ता है तब आप CISF कैंप की ओर आ पाते हैं। यानी NH-24 के नीचे अंडरब्रिज से निकलना पड़ता है। एक साइड का रोड ब्लॉक किया हुआ है, आगे किधर जाना है उसका कंडीशन भी ठीक नहीं है। ऐसा ही रोड है, ये सामने एलिवेटेड रोड है। एक मिनट पूछना पड़ेगा, बजेगा लगता है। इंडियन एलिवेटेड रोड एक्सटेंशन, ओके।
ये सामने एलिवेटेड रोड है। ये एलिवेटेड रोड पे आ गए। बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता है इंदिरापुरम से, रोड ब्लॉक किया हुआ है और साथ में बीच में एक यू टर्न था, लेकिन वो अनऑथराइज यू टर्न था और अभी पता चला वहाँ पे यू टर्न के बाद तुरंत बाद ही पुलिस वाले चेकिंग के लिए खड़ा था अपनी कमाई के लिए। बस यही है, ये एलिवेटेड रोड है। इसके बाद ये सीधा राजनगर एक्सटेंशन की ओर ले जाएगा। अगर आप इन रोड पे रेगुलरली नहीं आओ तो कई चेंजेस हो जाते हैं, कई रास्ता बंद होता है, कहीं कोई आंदोलन है, कहीं कोई धरना है, ये सब तो चलता ही रहता है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इंडिया में अब कुछ ही सालों में इंटरनेट जो सुविधा होगी वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सुविधा भी मिलेगी। एलन मस्क का स्पेसएक्स जो कंपनी है वो इज अ सेंटी बिलियनियर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जिनकी स्पेसएक्स कंपनी है वो स्पेसएक्स कंपनी लोगों को स्पेस में एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल कराने का प्लान है, और वही कंपनी अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। अभी जो इंडिया में है ये केबल बेस्ड इंटरनेट है ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, तो अब ये सैटेलाइट बेस्ड आएगा तो इसमें एक दूसरी कंपनी है वन वेब, वो यूके की कंपनी है, उसमें यूके गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रहा है, साथ में एक सॉफ्ट बैंक है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया का भारतीय एयरटेल इसका भी 38% का स्टेक है। और ऐसे ही एक थर्ड कंपनी अमेज़न भी सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आएगा, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है। वो आ जाएगा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी, जितने भी रिमोट एरियाज हैं चाहे वो सी हो फॉरेस्ट हो हर जगह इंटरनेट की सुविधा मिलेगी सैटेलाइट से। लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि बैंडविड्थ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अभी लॉन्च किया है सैंपल बेसिस पे, और अभी आप जो सैटेलाइट टीवी देखते हैं चाहे वो स्टार का हो, जीट का हो, वीडियोकॉन का हो, तो इसमें आप देखते होंगे कभी कभी बादल आ जाते हैं तो वो लिंक जो है वो डिस्टर्ब होता है, इसी तरह से इसमें भी डिस्टर्बेंस का चांसेस होगा। बट ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसको इम्प्रूव करेंगे, और लोअर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स होंगे जिनके थ्रू ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। आज तक का जो रिकॉर्ड है टोटल सारे सैटेलाइट्स को अगर आप जोड़ें तो तकरीबन 9000 के करीब सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स एलन मस्क का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से 12-13 हज़ार सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट में, यानी अराउंड 600 किलोमीटर धरती से 600 किलोमीटर दूरी पे ये आएंगे। ये एक हैजार्ड भी हो सकता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इसको लेके खुश नहीं है, और ये सैटेलाइट जो होगा ये सन सिंक्रोनस होगा, बाकी जियो सिंक्रोनस होते हैं यानी धरती के स्पीड के हिसाब से या उसके घूमने के हिसाब से एक ही जगह वो स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि धरती की स्पीड से मैच कर देते हैं, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होंगे। तो आने वाले समय में काफ़ी चेंजेस होंगे और टेलीकॉम इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त विषय रहेगा, तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं।
एक अच्छा फील्ड होगा, आगे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ये ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। बट फिर भी केबल नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क ये दोनों चलेंगे। सैटेलाइट नेटवर्क कम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि ऑफिस में वाईफाई और ये सब चीज़ें जो हैं वो केबल के थ्रू ही आएंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अब ये राजनगर की ओर मेरठ लिखा हुआ है, मेरठ मोहन नगर मेरठ, इसी रास्ते पे हम जाएंगे तो आगे राजनगर एक्सटेंशन आ जाएगा। ये राजनगर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, राजनगर एक्सटेंशन। वी हैव जस्ट इंटर राजनगर एक्सटेंशन एरिया। ये भी एक्सपेंडिंग लोकेलिटी है, इकोनॉमिकल अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के लिए अच्छी जगह है। मेरे ख्याल से मेट्रो से भी इसका, इस एरिया का कनेक्शन करने का प्लान है। कनेक्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा रेजिडेंट्स के लिए और साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और ये रोड भी, पहले ये रोड सीधा मेरठ के लिए कनेक्ट करता था, एक तरह से बाईपास का काम करता था, लेकिन आजकल मेरठ एक्सप्रेसवे बन जाने से इसका, इस पर उतना रश नहीं है, अदरवाइज इसमें भी रश होता। राजनगर एक्सटेंशन का मेन चौराहा। नो दिस इज नॉट चौराहा, नहीं है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? हेलमेट की चेकिंग चल रही है। अच्छा है, यहाँ से अब हम लेफ्ट ले लेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।